सुबह में सब हम लोग को छोड़ के चले गए ना मनीषा। घर मेरा पूरा खाली खाली लग रहा है आज। बोले खाली, हमने एक दूसरे का चेहरा देखा एक दूसरे का चेहरा देखा देखी हो रहा है और बस एक दूसरे की बात कर रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी हम लोग किचन में लग गए हैं। सुबह में हम ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि सुबह में सब हम लोग को छोड़ के चले गए ना मनीषा। घर मेरा पूरा खाली खाली लग रहा है आज। बोले खाली, हमने एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे का चेहरा देखा देखी हो रहा है और बस एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तो अभी मनीषा दीदी किचन में दाल छोक रही है, छोका लगा रही, दाल हो गया है और ये पालक साग बनाई है। इसमें चावल है, नहीं बनाए हैं आप? बनाई नहीं है। मनीषा को कुछ काम हम करने नहीं देते हैं ना, तो बोलती है दीदी आप कुछ काम करने नहीं देते हैं, आप कैसे करते हैं ना। असल में हमको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे घर में मतलब कोई अपना दिखे। अपना है पराया कभी नहीं मानते। हाँ डाल दो, हम अपने ही मानते हैं। लेकिन ना हमको अच्छा नहीं लगता है कि काम कराना। रानी भी आती है ना, रानी से भी नहीं कराते हैं और इससे भी नहीं कराते। लेकिन ये तो जबरदस्ती करती है घुस के किचन में। और चिकन भी बाबू लेके आए हैं, और चिकन में नींबू वो डाल के रखी है। और चिकन पकौड़ा भी बनाएंगे आज, तो अभी नहीं बनेगा, शाम में बनेगा चिकन पकौड़ा। तो आप लोगों को दिखाती है ना, ये रहा चिकन का लाए बाबू, इतना धो के रखे और फिर दोबारा फिर लेके आ गए। देखिए शाम में चिली चिकन बनेगा, इस शाम में चिली चिकन बनेगा और वो चिकन पकौड़ा बनेगा। बहुत दिन से ये चिकन पकौड़ा बनेगा स्पेशली मेरे लिए, तो जिसका खाना है तो आप लोग। बहुत दिन से मनीषा बोल रही थी कि दीदी चिकन पकौड़ा खाएंगे, चिकन पकौड़ा खाएंगे, बट हम बना नहीं पा देते। तो आज फाइनली उसके लिए हम बनाएंगे। चिकन सबके लिए, हाँ सबके लिए है। तो इसका हम बनाएंगे, तो इसको हम नींबू निचोड़ के इसको ना रखेंगे। और वो चिकन पकौड़ा मनीषा अकेले खाएगी, मनीषा और पीयू खाएगी ना, और ये बाबू खाएंगे चिकन चिल्ली। हाँ, रोटी चिली चिकन और वो चिकन पकौड़ा बनेगा। तो आज मनीषा को शाम में चिकन पकौड़ा बना के खिलाएंगे और अभी वो चिकन बना दे रही है। हम बोले आज हम नहीं बनाएंगे, तुम चिकन सिर्फ बना दो, हम बाकी सब कर दिए हैं, तुम सिर्फ चिकन कर दो। तो बोली ठीक है दीदी हम चिकन बना लेंगे। और घर में कोई नहीं है, सुबह ही सुबह सब निकल गया क्योंकि इसका तानिया का गुदलू का स्कूल था, कल एबसेंट हो गया, परसों भी एबसेंट हो गया, तो आज नहीं कर सकते थे ना। बच्चे लोगों का पढ़ाई फिर मतलब बर्बाद हो जाएगा। मतलब बच्चे लोगों का पढ़ाई रुक जाना अच्छी बात नहीं है ना। दाल अभी कुकर में रख, धोने में रख दी। ठीक है अभी तुम कुकर में रखो ना, कुकर को खंगार के पानी से कुकर में रखो, पीहू को खाना हम खिला देते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा दाल बच जाएगा वो हम रख देंगे कटोरे में। हाँ ठीक है। पीहू का दाल में देखिए रोज का पीहू का मतलब रहता है गाजर और टमाटर और आपका पपीता, रोज ऐड रहता है पीहू का दाल में। पीहू को खिलाना पड़ता है ना रोज। और सबको घर से चले गए तो घर में हम लोग दोनों अकेले हैं। अब बाबू भी है उधर चिकन दुकान तरफ, मामा दुकान को संभाल रहे तो इसीलिए नहीं, कल शायद संडे को, शायद मतलब क्या संडे को सबको आएंगे फिर। तो आज नहीं, मतलब आज भी रुकने का सोचे थे बट नहीं, वो बच्चे लोग उनके लिए नहीं रुकने सके क्योंकि तो बच्चे लोग का पढ़ाई है ना। नहीं कल नहीं आएगी कि बस संडे को आएगी, सब परसों फिर आएंगे, फिर परसों पार्टी होगा। मेरा इंडक्शन चूल्हा भी खराब हो गया ना, अभी तक हम बनाए नहीं। अंतर गैस में मेरा खाना बन रहा है इतना इतना, मेरा पता नहीं गैस कब खत्म हो जाएगा, शायद महीना भर भी नहीं चलेगा हमको लगता है। ऐसे ऐसे रख दो घर में सबको रहता है ना, घर भरा भरा ना अच्छा लगता है। अब इस हाँ चिल्ला चिल्ली मतलब हल्ला होते रहता, डांस हो, रजनीति रहती है ना, सिमल भी रहता है, तो मन को ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हल्ला गुल्ला। रजनीति तो जानते चिल्लाते रहती है, आए आए करके चिल्लाते रहती है, तो मतलब ना अच्छा लगता है घर में। पीहू भी तो मतलब नहीं, वो तो मतलब डांस, उसका डांस में हम लोग मतलब मगन रहते हो, इतना अच्छा डांस करता ना, डांस देखते देखते हम लोग सिखाता, वो मास्टर है, उछल उछल के नाचता है, बहुत अच्छा डांस लेकिन करता है। तो कल हम लोग बहुत सारे रील्स भी बनाए और डांस भी, वो रात का 12-2 बजे तक हम लोग कल जगे हुए थे बात करते हैं। बस फिर सब निकल गए, संडे को फिर आएंगे सबको, फिर संडे को तो रहेंगे यहीं पर। बच्चे लोगों को पढ़ाई की वजह से ना माँ बाप को कहीं मतलब जान नहीं सकते, घर में रहना पड़ता है। दीदी का जानते रजनी दीदी का अपना माँ घर बहुत पसंद रहना, लेकिन बच्चे लोगों को पढ़ाई की वजह से पहले छोटी थी ना, बच्चे लोग तो जाता था, दीदी रहती थी वहाँ पे, तो अभी तो बड़ा हो गया ना, उसको
गर्मी छुट्टी में फिर आके सब यहीं पे रहेंगे बोल रही है। चलो अच्छा है, नहीं सब कुछ चाइवासा चली है, चाइवासा में मर जाएंगे गर्मी से, धूप ऐसे खेती में ऐसे लुड़के रहेंगे, खेती में लुड़के रहेंगे बोल रही है। हांडिया पीते रहो लुड़के, हमने पीते सब रानी को पिला देंगे। मजाक कर रहा था तो सीरियसली ले ली, रोने लग गई, ऐसा कोई मतलब पिएंगे बोल के हंडिया ना, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही बोलते तो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। वो तो राइस मतलब चावल से ना होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सोमनाथ बोली वो जहाँ रहेगा ना वहाँ हंसाएगा ही, वो इतना हंसात कॉमेडी है ना कि क्या बोली। दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो जहाँ सोमनाथ रहेगा वहाँ पे मतलब हंसना ही हंसना, पेट दर्द हो जाएगा हंस हंस के। कल रात में लाइव आया था, इतना कॉमेडी कर रहा था, इतना मतलब हंसी मजाक, इतना हंसा रहा था ना, क्या बोलेंगे। वो गरम होने दो अच्छे से, चिकन में थोड़ा तेल पड़ता है इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा डालते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि तुम्हारा डाइटिंग चल रहा है, तुम इतना तेल वाला खा रही, तो हम नहीं खाएंगे, हम तो ये दाल जो बना दाल खाएंगे, ये साग खाएंगे, और रोटी है मेरा देखिए ना इसमें रोटी है, तो रोटी खाएंगे, दाल साग और रोटी खाएंगे हम। ये तो जीजा साली, जीजा साली पीहू, जीजा साली वो तो बच्चा दूध पाते हैं, चल तुम बना लो ठीक है, हम भी पीयू को खाना खिला देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फैमिली चलिए हमारा खाना कंप्लीट हो गया है और अब खाना लेके बैठे हैं, ये रहा खाना हमारा, इतना सारा खाना, और अब पूरा गमला ही लेके बैठ गया रोटी का। पूरा खाएंगे तो नहीं, दो ही खाएंगे रोटी, तो देखिए खाने में क्या क्या है। ये रहा देखिए बाबू खाना स्टार्ट कर दिया है, चिकन है, सैलड है, यहाँ पे करेला का भुजिया है, पालक साग है, धनिया पत्ता का चटनी है, बाबू खा रहे हैं। कैसा लग रहा है मनीषा खाद का चिकन? टेस्टी टेस्टी यम्मी। अरे ये मेरा रोटी, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए हमारा खाना वाना हो गया था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके और अभी हम लोग बना रहे हैं रोटी और चिली चिकन नहीं चिकन पकौड़ा, तो दोपहर का चिकन है वो उसी में हो जाएगा। और यह मनीषा आटा सान रही है, पीहू खा रही, पीहू क्या खा रहे हैं? चिकन पकौड़ा खा रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं चिकन पकौड़ा बना रहे हैं, थोड़ा सा बाबू लाए थे चिली चिकन के लिए, तो वो भी हम उस वो भी चिकन मतलब चिल्ली का मतलब चिकन पकौड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी इतना मतलब झंझट करने का। देखिए आधा बना लिए हैं, ये रहा इतना है, आधा बन गया और आधा यहाँ बन रहा है, तो बन जाएगा और रोटी बनाएंगे, और दोपहर का चिकन है उसी में हो जाएगा खाना। हम तो अभी खाएंगे नहीं फिलहाल कुछ, बस वही लोग जो खाने का खाएंगे बना रहे वही लोग के लिए। और मनीषा फर्स्ट बार खाएगी मेरे हाथ का चिकन पकौड़ा, तो पूछते हैं मनीषा से कैसा, मनीषा मतलब फर्स्ट बार खाएगी ना मेरे हाथ का? बहुत सही बनेगा, बहुत सही बनेगा, पहले से बोल दे रही बहुत सही बनेगा, टेस्टी बनाएगी ना। अरे देखिए एक साइकिल आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा साइकिल, तो पीहू का वो छोटा साइकिल आ गया है, पीहू का भैया का साइकिल है, तो पीहू को अभी मिल गया, अभी उनका उसका भैया नहीं चलाता तो पीहू को दे दिया, तो उसमें दोनों साइड चक्का लगा देंगे, पीहू चलाएगी ना पीहू। अब पीहू को बर्थडे में, बर्थडे भी आ रहा है अप्रैल में है, कितना तारीख को अभी, मेरा भी अप्रैल में बर्थडे होने वाला है इसका, और इसका दोनों का आगे पीछे बर्थडे है, पहले इसका है फिर उसका है, इसका शादी का पहले साल गिरा है, फिर मेरा बर्थडे है, फिर पीहू का बर्थडे है। शादी का सालगिरह तेरा 14 अप्रैल शादी का सालगिरह, 10 अप्रैल सॉरी 10 अप्रैल शादी का सालगिरह, फिर 21 अप्रैल बर्थडे, नहीं 20 अप्रैल बर्थडे। अच्छा हम सब भूल गए, भुलक्कड़ हो गए, 20 अप्रैल इसका बर्थडे, फिर एक दिन बाद छोड़ के पीहू का 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पीहू का बर्थडे है, आप सबको अभी से इनवाइट कर दे रहा हूं, खाली केक केक अभी से इनवाइट कर दे रहा हूं, आप सब आइएगा हमारे घर पीहू का बर्थडे में, छोटा मोटा ही करेंगे, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, छोटा मोटा ही करेंगे, तो अभी से इनवाइट कर दे रहा हूं, आप सब आइएगा, आप पीहू का बर्थडे में पीहू को साइकिल मिलेगा, उसकी नानी देगी साइकिल ना, पीहू नानी देगी ना साइकिल, पापा देगा।
नानी है पापा क्या देंगे बेटा गिफ्ट क्या गिफ्ट देंगे हाँ साइकिल वाला अच्छा वैसा वाला साइकिल ओके ओके अच्छा तो नानी देगी ना और अभी आप क्या खा रहे हैं चिकन पकौड़ा मेरा चिकन पकौड़ा जल जा रहा लगता ओह माय गॉड मेरा चिकन पकौड़ा पूरा जल गया उधर बात करने का धुन की में मेरा इधर चिकन पकौड़ा का क्या हाल हुआ देखिए तो चलिए हम लोग चिकन पकौड़ा बना लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं।